आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आज भी थोड़ा सा वीडियो ऑफ है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे वीक है और मोबाइल डेटा से चल रहा है, लाइट की भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो बच्चों थोड़ा बहुत चल पाएगा अगर लाइट नहीं आती तो, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप में जो है उतना पावर नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए। सर इसमें जो अल्काइल एंड अराइल हैलाइड है ना सर, इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है और ये है सर आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली गाइस ये होता क्या है, इस रिएक्शन में अल्काइल, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ सर, यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो है सर इसका फॉर्मेशन होता है। अब सर आप बोलेंगे सर अल्काइल फ्लोराइड के लिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है सर जो फ्लोरीन डोनर होते हैं। सर जो एजेंट या जो रिएजेंट फ्लोरीन डोनर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सर ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपका पहला मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोरिनेटिंग एजेंट सर, पहले तो ASF3 हो गया, दूसरा HG2, HG2F2 हो गया, तीसरा आपके पास सर कोबाल्ट फ्लोराइड हो जाएगा, और चौथा सर आपके पास हो जाएगा सिल्वर फ्लोराइड, AgFeTC। सर ये सारे के सारे बच्चों आपके पास क्या हो जाएंगे, फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो जाएंगे। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई सर, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब देखो रे गाइस अब क्या होगा सर इसमें, तो जब भी हम किसी भी इस तरीके से RCL कंपाउंड को, इनमें से कोई भी एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, मान के चले EGF से किया, तो सर ये क्या बनाएगा, ये RF बना देगा, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा यहाँ, ठीक है ना, साथ में वो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड भी बनाएगा। जैसे सपोज मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है, और यहां पे HG2F2 का फॉर्मेशन इस तरीके से इसके साथ करवा रहे हैं, तो सर ये यहाँ पे क्या देगा गाइस, CH3CH2F+HG2Cl2, HG2Cl2 सर इसको ऐसे यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करके ये आपको ऐसे दे देगा, ठीक है ना। तो सर ये जो रिएक्शन है ना ये आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, देख लीजिएगा
सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है ना सर, कर लेंगे बच्चों इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब सर हमने अल्काइल फ्लोराइड तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन सर अब हमको एक और टर्म पढ़ना है जिसका नाम है अराइल फ्लोराइड। ठीक है ना सर, जिसका नाम है अराइल फ्लोराइड, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं हेलो एरिंस। अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं, हेलो एल्केन तो पढ़ लिया आपने, अब सीधे पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिंग्स का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हेलो एरिंग्स का मतलब होता है कोई एक एरोमेटिक ग्रुप हो और इसके साथ एक्स लगा हो, दिस इज द हेलो एरिंग्स, वेयर ए आर इज इक्वल टू आपका हो सकता है सी टू एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव ग्रुप। इसको आप हेलो एरिंग्स के नाम से जानते हैं सर। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये सर ए आर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात अगर किसी को है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत सिंपल तरीके से बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है, ये ऐसे होता है। अब सर बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश हम करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये हेलो एरिंग्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेशन आपको करवा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेशन करवाता हूं। तो देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बाय द, तो सबसे पहले फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ए आर एक्स कंपाउंड, तो सबसे पहला इसमें मेथड्स है बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। सबसे पहला मेथड्स है सैंडमेयर की रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं सर। इसमें होता क्या है, आप जब भी कभी एक बात फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिएगा, ये आपका एनिलीन होता है, इसका नाम है एनिलीन। जब भी कभी भी एक बात ध्यान रखिए, आप इस एनिलीन को NaNO2 plus HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हैं, NaNO2 plus HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप कभी भी हीट करेंगे बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना आपको फिलहाल क्या बना देना है, याद करो इसको कि हमेशा हमेशा सर इसको आपको क्या बना देना है, एंटी पॉजिटिव बना देना है, बस यही हमेशा ध्यान रखना है फिलहाल के लिए आपको सर, ये याद रखना है। एन टू पॉजिटिव, तो बच्चों जो ये है ना इसका नाम है डाई एजोनियम सॉल्ट। इसका नाम है सर डाई एजोनियम सॉल्ट।
अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर आप जब भी कभी भी इसको यूज करते हैं ना, तो सर ये हमेशा क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जब भी आप एनिलीन के साथ इसको रिएक्शन करते हैं ना, तो ये क्या बना रहा है, इसको बना रहा है, तो ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ा नेटवर्क नहीं है अच्छे से, तो ये पेन थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है काफी ज्यादा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर, ठीक है ना, कोई अगर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना सर, ये इसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर, अब आप देखो जरा ध्यान से सर, इधर की तरफ आइए, तो सर ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, अब जाके अगर इससे, ये पूरा सैंडमेयर रिएक्शन बता रहा हूं, जब भी कभी भी आप एनिलीन को इसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये इसको बनाएगा। अब जाके सर अगर आप जो है, अब जाके एनिलीन को सर यहाँ पे आप, अगर आप ये वाला कंपाउंड बना हुआ है इसको, अब जाके आप अगर किसी Cu2X2 के साथ, या इसकी जगह पे Cu2Cl2 के साथ, इसके साथ अगर रिएक्शन करवा देते हो ना बच्चों, तो यहां से या तो X या तो Cl- सीधे इधर अटैक करता है और इसको यहां से ऐसे बाहर निकाल देता है, और सर ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। समझ रहे हैं क्या सर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सर इसका नाम आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉपर है ना, ये कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर जो है ना सर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। या आप इसके साथ इसको रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, या इसके साथ आप इसको करवा लो, देखो या सर इसके साथ आप एक काम करो बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करा लो, तो ये I- इधर पे अटैक कर देगा तो आयोडोबेंजीन बना देगा। या सर इसी के साथ आप इसको करा दो BHBF4 को, तो यहां से सर फ्लोरीन माइनस जाएगा और इसी पे अटैक करेगा और सीधे यहाँ पे क्या बना देगा सर, इसी को सर यहाँ पे क्या बना देगा, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देख लीजिएगा बहुत बहुत सिंपल टाइप की रिएक्शन इसमें बन रही है, जो कि काफी आसान है। ठीक है ना सर, ये सैंडमेयर की रिएक्शन है, तो हो सकता है बच्चों ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सके, एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर की रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे इसके बेस पे आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बोलो रे बच्चों, कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये सर यहाँ पे सर इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है सर हमारे पास, जरा देखिए सर, यहाँ पे एक तो आपने इसको ऐसे बना दिया, दूसरा आप इसको अगर बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं तो सर आप इसको बना सकते हैं, बेंजीन का अगर आप बच्चों हेलोजिनेशन करते हैं तो इसको बना सकते हैं, देखिए क्या होगा।
हेलुसिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हेलुसिनेशन का मतलब हो गया कि सर आप जो है कोई बेंजीन कंपाउंड है, इसको आप बच्चों एक्स टू के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और हम बोलते हैं डार्क लाइट। तो सर यहां से ही क्या हो जाता है इस तरीके से, यहां से ये एक्स, ये बेंजीन रिंग ऐसे एक्स होता है ना ये सर, ये ऐसे इस पे इस एक्स पे अटैक करता है, तो सर ये एक्स बन जाता है, ठीक है ना। और बच्चों अगर चाहें तो आप जो है एक साथ जरा ध्यान से देखिए, एक साथ थ्री सी एल टू एफ ई सी एल थ्री की प्रेजेंस में, डार्क लाइट की प्रेजेंस में अगर इसको यूज करें, इसको अगर सर रिएक्शन कराएं, तो क्या होता आता है कि देखो बच्चों सिक्स क्लोरीन सिक्स कार्बन एटम पे ऐसे अटैच होते हैं। और इसको बोला जाता है बच्चों हेक्सा क्लोरोबेंजीन। सर इसका नाम है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही बात क्या? अगर इसी बेंजीन को जरा ध्यान से देखिए सर, अगर इसी बेंजीन को इसके ठीक एक अपोजिट और रिएक्शन है, ठीक ऐसी ये डार्क लाइट है, डार्क लाइट की प्रेजेंस में है, अगर सर इसी बेंजीन को सपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर यहाँ पे, सर इसी बेंजीन को आप थ्री सी एल टू और एच न्यू लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। एच न्यू लाइट, ये लाइट दूसरी होगी, तो बच्चों ये ऐसा कंपाउंड बनाता है, देखिए और इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब हो जाएगा BHC, बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है ना। सर ये जो है एक केमिकल्स है जो मार्केट में जो है, इसको जो है कॉमर्शियल नेम सर इसका है, सर इसका कॉमर्शियल नेम है बच्चों, कॉमर्शियल नेम है गैमेक्सेन के नाम से जाना जाता है, ये मार्केट में सर गैमेक्सेन के नाम से मिलता है। थोड़ा सा पेन चलने में बड़ी दिक्कत कर रही है यहाँ पे। ठीक है ना, GAMMAXAN लिखा हुआ है, ठीक है ना, GAMMAX गैमाक्स गैमेक्सिन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर ये आपका गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात सर, ये जो BHC या गैमेक्सिन है सर, ये एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या सर? ये एक क्या है बच्चों आपका यहाँ पे इंसेक्टिसाइड भी है, एंड पेस्टिसाइड भी है। देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा भाई। हाँ बेटा,
अरे बीएचसी के नीचे क्या लिखा है अभी? कमर्शियल नेम है बेटा ये, कमर्शियल नेम है, यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, गैमेक्सिन लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड है। हाँ ठीक है ना बच्चों, ये मार्केट में एज ए मेडिसिन के फॉर्म में मिलता है, कीटनाशक दवा होती है, ठीक है ना, कीटनाशक दवा होती है एक, और ये जो है उस एज ए दवा आप गैमेक्सन बोलेंगे तो पाउडर सा होता है वो, ठीक है ना, तो वो पाउडर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ते हैं सर। देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक रिएक्शन और इसमें बता देता हूँ, एक थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन है, देखिए क्या है। सर सपोज ये कोई बेंजीन है, और सर सपोज आपने इसको रिएक्शन करवाया CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये एक सॉल्वेंट है, तो सर ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और ये इसको ऐसे बाहर निकालेगा, CH3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आप इसको अब आगे रिएक्शन कराओगे ना सर Cl2H9 के प्रेजेंस में, सर ये आपका फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा। सॉरी सॉरी, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो सर यहां पे देखो ये CH3 है, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा ऐसे ऐसे, और यहां से भी क्लोरीन रेडिकल आएगा, तो सर ये जो CH3 पे जो रेडिकल बना हुआ है ना, ये और ये ऐसे, ये CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या सर, ये आपका क्या हो जाएगा CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सर, अब सपोज अगर आप इसके साथ कोई भी रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये पॉसिबल होगा। अगर सर आप इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सर ये OH- ऐसे इस पे यूं जाएगा और ये यहां से इसको बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है ना, देख लीजिएगा पूछ लीजिएगा। आया समझ में सभी को? ठीक है ना, तो सर ये एक इस टाइप की रिएक्शन इसके केस में पॉसिबल है, और बच्चों जो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। चलो अच्छा एक बात और बता देता हूँ सर, मैंने आपको एक बार एक रिएक्शन ऐसी करवाई थी, जरा देखी, मैंने एक बार आपको रिएक्शन ऐसी करवाई थी CH4Cl2H9 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बोला था ये CH3Cl बनाएगा, और बोला था फिर से Cl2H9 के साथ रिएक्शन कराएंगे
CH2Cl2 ऐसा बनाएगा, और बोला था फिर से Cl2 से रिएक्शन करेंगे, तो बोला था ये CHCl ये ऐसा बनाएगा, और भी करेंगे तो टेट्राक्लोराइड बनाएगा। अगर बच्चों मैं इसकी जगह पे ठीक एक ऐसा ग्रुप ले लेता हूं CH4 की जगह पे, ये CH3, तो जाहिर सी बात है कि सर अगर आप इसको Cl2H3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसा बनाएगा। और भी आगे Cl2H3 के साथ रिएक्शन कराओगे ना सर, ये आपका बनाएगा CHCl। बात समझ में आ रही है शायद सभी को। और सर अब इसके बाद आप एक काम करो, दो एक्वस NaOH के साथ यूज करो एक्वस, तो सर OH माइनस जाएंगे दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों सर इस कार्बन पे अटैक करेंगे, दोनों क्लोराइड को बाहर कर देंगे दोनों के दोनों, और सर इसको आप ऐसे हीट करोगे ना, यहां से बाहर निकाल देगा। और इसका नाम है बच्चों बेंजाल्डिहाइड। देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, चलो तो सर ये आपका यहां तक हो गया है। चलिए बच्चों, एक्चुअली थोड़ा सा जो है ये काफी लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कि सर यहाँ पे जो है, ठीक है ना, लाइट का और नेटवर्क का बड़ा इश्यू चल रहा है। चलो सोच रहा हूँ फिलहाल रहने देते हैं, क्योंकि सर धीरे धीरे ये बिल्कुल डाउन हो रहा है और लिखने में प्रॉब्लम आती जा रही है, तो मैं मंडे को करूंगा बेटा इसको स्टार्ट, ठीक है ना? ओके सर। है ना, ठीक है बेटा, चलिए बच्चों मंडे को करता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय। ओके बाय सर।